बड़ी खबर रांची से, जो आजसू पार्टी कार्यालय में जन संग्रह धन संग्रह कार्यक्रम कार्यक्रम में पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो भी है मौजूद। कई युवाओं ने थामा आजसू का दामन। आजसू पार्टी कार्यालय में जन संग्रह धन संग्रह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कार्यक्रम में पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो भी मौजूद है। तो बताते चले की कई युवाओं ने आजसू का दामन थामा है। तो रांची से बड़ी खबर, कार्यक्रम में पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो भी मौजूद है। आजसू पार्टी कार्यालय में जन संग्रह धन संग्रह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। दो वर्ष पूरे हो गए, तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गई है सरकार और जनता अनुभव करने लगी है कि भावनाओं को जिस रूप से जीता गया था उन भावनाओं के अनुकूल वर्तमान सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। वो तो गनीमत रहा कि कोविड जैसे संक्रमण की इस चादर से इस सरकार दो साल इन जवाबदेही से बचते रही। कोविड संक्रमण का तीसरा लहर कमजोर पड़ा तो इनको भविष्य के लिए और अपने इन वायदों से खुद की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा विषय जनता के बीच भेजना था, कोई गलती ऐसे करनी थी जिससे पूरा झारखंड अशांत हो सकता है और उसके लिए इन्होंने भाषा को चुना है। मैं आते आते सोच रहा था ये तो 70 के काल में जब गठन हुआ तब झारखंड मुक्ति मोर्चा इनके नेता ऐसा सोचते थे, उन्हें ये पता नहीं कि ये पूरा 30-40 साल आगे समय निकल गया है। तो सोचने का तरीका बदल गया है और वर्तमान झारखंड के नौजवान, ये नौजवान पीढ़ी पूरा तकनीक से लैस है और आपकी हर गतिविधि और आपके सारे इतिहास को अब सहजता से लोग जानने लगे। मेरे अपने प्रदेश के लोगों के बीच में ये पूरी व्यवस्था को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का ये कार्यक्रम ये दल और इसके दल के प्रमुख और राज्य चलाने वाले लोग कर रहे हैं। अब समय आ गया है अपने लोगों को आगाह करना, मूल चिंतन को लेकर आगे बढ़ना और ऐसे लोगों का ऐसे लोगों को बेनकाब करने का समय आ गया है। हम लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से, ये जनधन कार्यक्रम के माध्यम से मूलधन को बचाने की तैयारी हम लोगों ने आज से प्रारंभ की। ये जनधन से मूलधन बचाना है, झारखंड के मूलधन को बचाना है। आज मैं बधाई दूंगा और आभार व्यक्त करता हूं कि एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने तैयार किया है कि झारखंड के अंदर और झारखंड के बाहर से भी झारखंड को प्यार करने वाले